आपके साथ खुशबु सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने रेल हादसे के बाद एक बड़ा ऐलान किया है। इस रेल हादसे में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, ऐसे स्कूली बच्चों की स्कूली शिक्षा के खर्च की जिम्मेदारी गौतम अडानी ने उठाने का फैसला किया है। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी मृतकों के बच्चों को अपने स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। गौतम अडानी ने ट्वीट कर कहा कि ओडिशा की रेल दुर्घटना से हम सभी बेहद व्यथित हैं। हमने फैसला लिया कि जिन मासूमों ने इन हादसे में अपने माता पिता को खोया है, उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप उठाएगा। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी मृतकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। सहवाग ने ट्वीट कर लिखा कि ये तस्वीर हमें लंबे समय तक परेशान करेगी। दुख की इस घड़ी में मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ कि इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखूं। मैं ऐसे बच्चों को सहवाग इंटरनेशनल स्कूल की बोर्डिंग सुविधा में मुफ्त शिक्षा देने की पेशकश करता हूँ। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे वाले ट्रैक का मरम्मत कार्य अब पूरा हो गया है। रविवार रात को हादसे के 51 घंटे बाद इस ट्रैक से पहली ट्रेन रवाना हुई। तब रेल मंत्री अश्विन वैष्णव हाथ जोड़कर खड़े दिखे। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है, हमारा लक्ष्य लापता लोगों को खोजना है, ये कहकर वो भावुक हो गए। रेल मंत्री हादसे के बाद से ही बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन पर राहत बचाव और ट्रैक रिपेयरिंग की निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी शनिवार को बालासोर का दौरा करने के बाद रेल मंत्री से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अपडेट्स ले रहे थे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 11 जून को दौसा आएंगे। वे यहां अपने स्वर्गीय पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारा स्थित स्मारक पर आयोजित होने वाली सर्वधर्म सभा प्रार्थना में शामिल होंगे। इसमें समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस जन व अन्य लोग शामिल होंगे। इसके बाद सचिन पायलट गुर्जर छात्रावास में लगी स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसकी तैयारियों के लिए रविवार को गुर्जर छात्रावास परिसर स्थित देव नारायण मंदिर में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा व बांदीकुई विधायक जी आर खटाना समेत गुर्जर समाज के लोग शामिल हुए। बिहार के भागलपुर में अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा पुल रविवार शाम को गिर गया। पुल के चार पिलर नदी में समा गए। पुल का करीब 400 मीटर हिस्सा नदी में गिरा है। हादसे के समय मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की अफसरों से पूरी जानकारी ली है, जांच के आदेश भी दिए हैं। परबता के सीओ चंदन कुमार ने बताया कि पुल गिरने के बाद एसपी सिंगला कंपनी का एक गार्ड लापता है, उसका शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। पता लगने के बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तलाश कर रही हैं। रूस ने डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेन के बड़े हमले को नाकाम करने का दावा किया है। रूसी सेना ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के 250 सैनिकों को मारा है और 16 टैंकों और कई सैन्य वाहनों को तबाह किया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि दुश्मन की तरफ से 4 जून को बड़ा हमला लॉन्च किया गया था, जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। यूक्रेन की तरफ से रूस के इस दावे पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है। यूक्रेनी सेना के अधिकारी ने सिर्फ ये कहा कि लुहानस्क और डोनेट्स्क के रूस के कब्जे को पूरा होने से रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। रूस के 23 हमलों को नाकाम किया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।